हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का वीडियो इस ड्राइंग का फाइनल पार्ट होने वाला है, और अगर आप लोगों ने इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो इन तीनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ड्राइंग शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर पहले पोर्शन ब्लू कलर की मदद से श्री कृष्ण की बॉडी में जो भी डार्क वैल्यूज होने वाला है उस एरिया के ऊपर सिंपली शेडिंग कर लूँगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते हो कि मैं पहले सिर्फ श्री कृष्ण की सीने के ऊपर जो भी डार्क एरियाज होने वाला है उसके ऊपर शेडिंग किया है। उसके बाद श्री कृष्ण की हाथों के ऊपर जिस भी एरिया पे डार्क वैल्यूज है उस एरिया पे शेडिंग किया है। जो भी एकदम हाईलाइटेड एरियाज है उस जगह को छोड़ के शेडिंग किया है, और जो भी मिडिल वैल्यूज होने वाला है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो एकदम हल्के हाथ से मैंने यहाँ पर पोर्शन ब्लू कलर को यूज़ किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से पोर्शन ब्लू कलर को डार्क वैल्यूज के ऊपर आप लोगों को प्रेशर अप्लाई करके यूज़ करना है, और लाइट वैल्यूज के ऊपर हल्के हाथ से यूज़ करना है। और पोर्शन ब्लू कलर की मदद से शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के बाकी पूरे एरियाज के ऊपर अल्ट्रा मेरिन ब्लू कलर की मदद से शेडिंग कर ले रहा हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो कि मैं कौन से एरिया को छोड़ के शेडिंग किया हूँ और कौन कौन से एरिया के ऊपर अल्ट्रा मेरिन ब्लू कलर की मदद से सिंपली शेडिंग कर लिया हूँ। आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर की मदद से शेडिंग हो जाने के बाद जिस भी एरिया के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत पर्पल कलर नज़र आ रहा है उस एरिया के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली रोज़ पिंक कलर की मदद से शेडिंग कर ले रहा हूँ, और बाकी सारे एरियाज को सिंपली छोड़ के कलरिंग किया हूँ। ओके, तो गाइस एकदम आखिर में मैंने जिस भी एरिया को सिंपली छोड़ के शेडिंग किया था उस एरिया के ऊपर व्हाइट कलर की मदद से शेडिंग कर ले रहा हूँ, और मैं कहाँ कहाँ पे व्हाइट कलर को यूज़ किया हूँ आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो। ओके, तो गाइस कलरिंग कर लेने के बाद एक कॉटन बर्ड की मदद से मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्लेंडिंग को कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग किया हूँ जिस डायरेक्शन में मैंने सिंपली ऑयल पेस्टल की मदद से शेडिंग किया था। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग को यहाँ पे कर ले रहा हूँ। आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस फर्स्ट लेयर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेने के बाद अब मुझे जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रहा है उस जगह के ऊपर मैं सिंपली वाइट कलर की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग कर ले रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं वाइट कलर को फिर से कहाँ कहाँ पे यूज़ किया हूँ। आप भी वैसे ही करना। और गाइस सेकेंड लेयर में कलरिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद मैं इसको भी एक कॉटन बर्ड की मदद से यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट प्रेशर अप्लाई करके इस कलर को ब्लेंड करूँगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग को कर ले रहा हूँ। आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस अब मैं यहाँ पे सिंपली येलो ऑकर, डीप येलो और लेमन येलो कलर की मदद से श्री कृष्ण के हाथों के ऊपर जो ज्वेलरीज है और जो बांसुरी है उसके ऊपर कलरिंग कर लिया हूँ, और बांसुरी के ऊपर थोड़ा बहुत ब्राउन कलर की मदद से भी शेडिंग किया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखो कि मैं कहाँ पे कौन से कलर को यूज़ किया हूँ। ओके, तो गाइस फर्स्ट लेयर में कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको एक कॉटन बर्ड की मदद से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा, और पहले मैं यहाँ पे ज्वेलरीज के ऊपर ब्लेंडिंग करूँगा और उसके बाद ही बांसुरी के ऊपर ब्लेंडिंग कर लूँगा। और पूरे एरियाज के ऊपर ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं फिर से ब्राउन कलर की मदद से सिर्फ ज्वेलरीज के ऊपर शेडिंग करूँगा सेकेंड लेयर में, और ब्राउन कलर की मदद से शेडिंग हो जाने के बाद इसको भी एक कॉटन बर्ड की मदद से हल्के हाथ से यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगा।
ओके तो गाइस ब्राउन कलर को ब्लेंड कर लेने के बाद इसको एक कैंच की मदद से स्क्रैच करके ज्वेलरीज के ऊपर जो भी डिटेलिंग होने वाला है वो सारे डिटेलिंग को मैं यहाँ पे बना लूँगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं कहाँ पे किस तरीके से स्क्रैच करके ज्वेलरीज के ऊपर डिटेलिंग को कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो गाइस कैच की मदद से डिटेलिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल की मदद से सारे डिटेलिंग को फिर से एक बार कर लूंगा और श्री कृष्ण की बॉडी के ऊपर जो भी एक्सट्रीम डार्क वैल्यूज होने वाला है उन सारे एरियाज के ऊपर भी सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल की मदद से शेडिंग कर लूंगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं सॉफ्ट चार्कोल पेंसिल को कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन से एरिया को सिंपली छोड़कर शेडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो गाइस अब मैं यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लूंगा, जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे सैप ग्रीन, ब्लैक कलर और पोर्शन ब्लू कलर का यूज़ किया हूँ और हाइलाइटेड एरियाज के ऊपर सिंपली वाइट कलर और लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में देखो कि मैं कहाँ पे कौन से कलर को यूज़ किया हूँ, कौन से एरिया पे सिंपली वाइट कलर की मदद से शेडिंग किया हूँ, आप भी वैसे ही करना। और शेडिंग कंप्लीट कर लेने के बाद इसको एक कॉटन बड की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड आप लोगों को यहाँ पे छोटा छोटा राउंड राउंड करके करना है, जिससे कि बैकग्राउंड का जो ब्लरी इफेक्ट है वो अच्छी तरीके से आ जाए। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं किस तरीके से बैकग्राउंड को ब्लेंड कर ले रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके तो गाइज एकदम आखिर में मैं यहाँ पे श्री कृष्ण के सर पे जो मोर पंख है उसके ऊपर कलरिंग कर लूंगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं कहाँ पे कौन से कलर को यूज़ किया हूँ, कौन से एरिया को सिंपली छोड़ के कलरिंग किया हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके तो गाइस एकदम आखिर में मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट की मदद से श्री कृष्ण की गले में जो फ्लावर्स है उन सारे फ्लावर्स के ऊपर डिटेलिंग को कंप्लीट कर लूँगा। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो कि मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कलर की मदद से फ्लावर्स को बनाया हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।